So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, you shall separate everyone who laps the water with his tongue, as a dog laps, as well as everyone who kneels to drink. Now the number of those who lapped putting their hand to their mouth was 300 men, but all the rest of the people kneeled to drink water. Now here we see there was a test, there was a selection, there was a separation in the midst of God's people. और यहाँ पर हम देखते हैं एक परीक्षा थी और एक चुनाव था और एक अलग करना था. Now if it was told them before, और अगर उनको पहले ही बतलाया गया होता, if you drink like this, और अगर इस प्रकार से तुम पानी पियोगे, you jump like this, और या इस प्रकार से उछलोगे, you will be selected, तो तुम्हें चुना जाएगा. They could have done that. तो वो ऐसा कर सकते थे. God's selection is so different from the army. और लेकिन आर्मी से सेना से परमेश्वर की चुनाव जो है बहुत ही अलग है. It's altogether different. और बिल्कुल ही अलग है. The Lord said to Gideon,
और परमेश्वर ने गिदियन से कहा यू शैल सेपरेट आई एज आई विल टेल यू और जैसे मैं कहूंगा वैसे तू उनको एंड द पीपल नेवर न्यू दैट सिलेक्शन इज गोइंग ऑन और लोगों ने कभी नहीं जाना कि चुनाव हो रहा है दे थॉट वी हैव टू ड्रिंक सम वाटर और उन्होंने सोचा कि वो पानी पी लेंगे दिस इज द वे मेनी ऑफ अस टेक आवर डेली लाइफ और इस प्रकार से बहुत से लोग हमारे रोज के यू नो गॉड अंडरस्टैंड्स और परमेश्वर दिस आर ऑल स्मॉल थिंग्स ये तो मामूली बात है इट डजंट मैटर ब्रदर और ऐसी कोई बात नहीं खास नो वी टेक द थिंग्स ऑफ गॉड ऑल टुगेदर लाइटली और हम परमेश्वर की चीजों को बड़ी लापरवाही Those who are to follow the Lamb, they are called, they are also chosen daily. और वो जो के बुलाए गए हैं वो चुने भी गए हैं We are chosen, we are separated, we are selected daily in our lives. और हम चुने गए हैं और हमें अलग किया गया है रोजमर्रा के जीवन के अंदर And the scripture says here, और यहाँ पर वचन कहता है Some of the people, और कुछ लोग You know, they were, they thought it's drinking after all. और उन्होंने सोचा केवल पानी पीना है साधारण. What is the difference after all? और इससे क्या फर्क पड़ेगा? की फर्क है. You drink anyway. So they just, you know, I don't know if they fell down into the water totally. They just never cared for anything. Just they began to drink. और उन्होंने किसी चीज की चिंता नहीं की और सिर्फ पानी पीने लग गए. But the 300. और लेकिन 300 they were watchful men और वो सावधान व्यक्ति they were looking around और वो चारों ओर देख रहे they were drinking और वो पी रहे they will drink और वो पीते they will look around और चारों ओर देखते they will drink और फिर पीते and the lord said और प्रभु ने कहा this man to be separated to be with you और ये लोग जो हैं इनको अपने लिए अलग चुन beloved brothers and sisters और प्रिय भाई और बहनों god has called us परमेश्वर ने बुलाया है praise god for that उसके लिए परमेश्वर but remember one thing और लेकिन एक चीज को याद रखो choosing that is taking place in our daily life और एक चुनाव है जो कि हमारे रोज के जीवन में हो रहा That's है अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एंड मी टू अंडरस्टैंड और मेरे और आपके लिए समझना इसको बहुत ही महत्वपूर्ण यू नो गॉड इज गोइंग टू ब्रेक अस एंड सिफ्ट अस एंड ब्रिंग फोर्थ आवर इनरमोस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड इन दीस डेज और परमेश्वर जो है वो हमें तोड़ेगा हमें छांटेगा और हमारा जो अंदरूनी स्वभाव है उसके उसको अपने लिए Now that's what exactly God did here. और यही परमेश्वर ने यहाँ पर Their inner attitude. और वो अंदरूनी स्वभाव लापरवाही लापरवाही ठीक है यार चलेगा And there they were disqualified. और वहां पर उनको अयोग्य करार दिया गया You know, we have to be chosen daily. और हमें रोज हमारा The path of the just is a shining light. और धर्मी जन का मार्ग जो है वो एक चमकती हुई ज्योति माय वॉकिंग टुडे गॉट टू बी बेटर देन यस्टरडे और हमारा आज की चाल जो है वो कल की चाल से बेहतर होनी you understand this? आप इसको Why? क्यों? I am still separated to God today. क्योंकि आज भी मैं परमेश्वर I am still separated than yesterday unto God today. और आज कल से ज्यादा आज मैं परमेश्वर के लिए अलग I am taking a step higher in him. और उसके अंदर एक ऊंचा कदम This is way our this is the way our attitudes got to be changing in these days. और इसी प्रकार से हमारे स्वभाव जो है इन दिनों में बदल जाने चाहिए. And we see in the life of Joseph. और हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं. God was separating Joseph. और परमेश्वर यूसुफ को अलग कर रहा था. It is right that he was standing up others were bowing down aur ye acha hai ki wo khada usne hona tha aur dusre ne jhukna tha but joseph had to go through at times of workings of god aur lekin yusuf ne parmeshwar ke karyon mein se hokar guzarna hai the lord wanted to really test the heart and attitude of joseph aur parmeshwar yusuf ke hriday aur uske swabhav ko pariksha karna chahta you know the lord jesus in his high priestly prayer he said father I'm not saying that you take them rescue them out but keep them lord और प्रभु यीशु मसीह अपनी महायाजक की प्रार्थना में कहता है कि प्रभु मैं ये नहीं चाहता कि तू उनको यहाँ से ले जा परमेश्वर बल्कि उनको यहीं पर Father, I'm not telling that you take them out of the circumstance, Father, but what I'm praying is that keep them and show forth what you intend of them. और मैं ये नहीं चाहता पिता कि तू उनको इस वातावरण में से निकाल दे right. लेकिन तू उनको यहीं पर रख और देख के उतरे लिए किस रीति से Praise सकते God. You know, when there is, a flood, what people normally pray? और जब के कोई बाढ़ आती है तो लोग किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं लेट द वॉटर स्टॉप और पानी जो है वो रुक जाए बट यू नो हाउ यू हैव टू प्रे और लेकिन आपने किस प्रकार आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर मैं परिस्थिति के विषय में बात कर रहा हूं व्हाट यू हैव टू प्रे और आपने कैसे प्रार्थना लॉर्ड लेट योर विल बी डन कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो कीप मी इन दिस सिचुएशन और मेरे को ऐसी दैट शुड बी आवर प्रेयर और यही हमारी Lord, keep me in this situation. कि प्रभु तू मेरे को इस परिस्थिति में रख And you know what he will do? और वो क्या करेगा? He will take you over the situation. और उस परिस्थिति Victoriously.
He will pass you, cause you to pass over the situation victoriously. और उस परिस्थिति के ऊपर से आपको ले जाएगा. Praise God. विजय के रूप में. That is what God can do for you. और यही परमेश्वर आपके लिए. So we got to see that in situations, God will keep us, but He is going to try our attitudes towards Him. और हमने ये देखना है कि परमेश्वर जो है हमें परिस्थितियों में रखेगा लेकिन हमारे स्वभाव. Turn with me to Proverbs chapter 4 verse 23. We got to go fast now. नीति वचन 4 और 23. Someone please read. Oh, praise God. Proverbs 23. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Praise God for that. Watch over your heart with all diligence. Read that in the King James. Keep thy heart with all diligence. Keep your heart with all diligence. For out of it are the issues of life. For out of it are the issues of life. You know, it sometimes you can see how God really manifests the attitude of people. और कई बार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर लोगों के ऊपर प्रकट होता है. You know, you can see that as you desire, you get it. और हम देखते हैं कि जैसे इच्छा होती है वैसे ही हम प्राप्त कर लेते हैं. Yes. As a man thinketh in his heart, so easy. और जैसा कोई मनुष्य अपने हृदय में विचार करता है वैसा ही वो है. That's what it is. You know, there are some people who always murmur. और कुछ लोग हैं जो हमेशा बुड़बुड़ाते हैं. मुश्किल है ब्रदर, नहीं कर सकता है ब्रदर. I have married a wife, brother. Uncle has called me for dinner, brother. And I tell you, we don't realize what we are missing in God in our lives. और इस प्रकार से कई बहाने तो हम करते रहते हैं लेकिन इस चीज को नहीं समझते कि परमेश्वर के अंदर किन चीजों को हम खो रहे हैं. We are to keep our heart right with God. और हमने अपने हृदय को परमेश्वर के साथ मिलाए रखा. Our attitudes are going to be manifested in these days. और हमारे स्वभाव जो है इन दिनों में बाहर आ जाएंगे. I want to tell you this. और मैं ये कहना चाहता हूँ. We may try all of our best to conceal that, but God is going to manifest it. और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उन स्वभाव को हम छुपा के रखें लेकिन परमेश्वर. How many of you love to see the New Testament church that was, you know, that was alive in the book of Acts to be seen in these days? और कितने लोग आप में से ये चाहेंगे कि उस नए नियम की कलीसिया को जो के प्रेरितों के काम की पुस्तक में जीवित था उसको आज भी देखना चाहेंगे? Would you like to see that? Yes, no? Are you happy to see some Ananias and Sapphira falling down? और क्या आप खुश होंगे जो के आज की कलीसिया में हननिया और सफीरा को गिरते हुए देखेंगे? But that will take place, brother. और लेकिन ऐसा होगा. Let me tell you. That will take place. और वो होगा. You know why? क्यों? God will cleanse the house of God. परमेश्वर अपने घर को शुद्ध करेगा. If you and I would desire for the church to be brought into that realm of His presence and glory, this will happen. और अगर आप और मेरी इच्छा यह है कि कलीसिया को उसकी उस महिमा युक्त महिमा में लाया जाए तो ये सब बातें होंगी. It will happen. तो ये सब होगा. God is going to expose the attitudes of His people. परमेश्वर अपने लोगों के स्वभाव को प्रकट करेगा. That's why we got to be separated daily unto this calling of God in our lives. और इसीलिए हमने रोज अपने आप को अलग करना है परमेश्वर के इस बुलावे के लिए. Let God break us and make us in these days. और परमेश्वर हमको इन दिनों में तोड़े और मोड़े. But this is the right time for God to work with us. और लेकिन यही समय है परमेश्वर का कि वो हमारे साथ. You know, our attitudes are very important in following the Lamb. और उस मेमने के पीछे चलने के लिए हमारा स्वभाव का बड़ा. I am sure that many will not make up all the way under this throne of God because they would not be willing to be separated and chosen by God. और बहुत से लोग मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर के मेमने के पीछे चलकर उसके उस सिंहासन तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि अपने आप को परमेश्वर के उस चुनाव में उसके अलग करने में नहीं दे पाएंगे. Because of their attitudes. क्योंकि उनके स्वभाव के कारण. Their hearts are closed to the Lord. और उनके हृदय परमेश्वर के लिए बंद. They are not willing to pay the price. और वो उस मूल्य को देने के लिए तैयार नहीं. Turn with me to 2 Kings chapter 13. और दूसरा राजा और उसका. To show you one example.
In our daily lives, how important it is for us to maintain a right attitude towards God's word and his things that he is revealing to us in these days. 2 Kings and chapter 13, please. Dusra Raja aur 13th adhyay. We'll read from verse 14. When Elisha became sick with the illness of which he was to die, Joash, the king of Israel, came down to him and wept over him and said, my father, the chariots of Israel and its horsemen. And Elisha said to him, take a bow and arrows. So he took the bow and arrows. Then he said to the king of Israel, put your hand on the bow. And he put his hand on it, and Elisha laid his hands on the king's hands. And he said, open the window toward the east. And he opened it. Then Elisha said, shoot. And he shot. And he said, the Lord's arrow of victory, even the arrow of victory over Syria. For you shall defeat Syrians at Aphek until you have destroyed them. Now verse 18. Then he said, take the arrows. And he took them. And he said to the king of Israel, strike the ground. And he struck it 3 times and stopped. Verse 19. Listen carefully and read. So the man of God was angry with him. So the man of God was angry with him and said, you should have struck 5 or 6 times. Then you would have struck Syria until you would have destroyed it. But now you shall strike Syria only 3 times. Now here is the attitude of the heart being revealed. The prophet of God said, come on, strike. He did once. He did twice. He did thrice. There's no army there standing. There is no army standing there. Sena is somewhere else. He is telling me to strike the ground. That does not convince me at all, brother. Let me ask you one thing. Do you sometimes feel that the things of God doesn't convince you? It doesn't convince you. Be careful. We got to hear God. We got to obey God. You know, if it was told to the king, Joash, that, you know, if you will strike so many times, then you are going to utterly destroy. Then I tell you, he would have done one more time. And if it was told to Joash, that you, जितने तीर तेरे पास हैं अगर तू इनको मार देगा तो तू बिल्कुल ही विजयी हो जाएगा तो पूरी प्रयत्न अपना उन तीरों को मारने में लगा। It was not told to King Joash that you know it depended upon your attitude. और ये उसे बतलाया गया नहीं बतलाया गया था लेकिन ये उसके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। And we know that he could only strike them thrice. और वो केवल 3 बार उनको मार। And he could not really overthrow the army. और फिर उस सेना पर वो विजय नहीं पाया। What is the reason? उसका कारण क्या? Attitude of the heart. उस मन का स्वभाव। What is your attitude, beloved brothers and sisters, towards the Lord? और प्रिय भाइयों और बहनों। In our daily life. परमेश्वर के लिए आपके मन का स्वभाव। In our daily life. हमारे जीवन। In small things. छोटी-छोटी बातों। What is our attitude towards God? परमेश्वर के लिए हमारा। Remember, the Word of God says. और परमेश्वर का वचन कहता है। You are being separated by God daily. और तुम परमेश्वर के लिए रोज अलग किए जा रहे हो। He is choosing you in the furnace of affliction. और वो तुम्हें उन मुसीबतों के भट्टियों में चुन रहा है. What is our attitude? और हमारा स्वभाव उसके लिए कैसा? What is our attitude? हमारा स्वभाव कैसा? Suppose you are going for shopping. और फर्ज कीजिए कि आप खरीदारी के लिए जाते. Suppose you are going elsewhere. और या किसी और जगह जाते हैं. Suppose you are working in your office. और या अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं. What is your attitude? आपका स्वभाव कैसा है? Are we like Joash? और क्या हम जोहाश की तरह हैं? What does that matter? Half-hearted. और अधूरे मन के हैं. This is after all office. और ये तो ऑफिस तो है ये. चर्च तो संडे को होता है. Churches on Sundays.
और चर्च जो है वो तो संडे को मंडे थ्रू सैटरडे इन द ऑफिस आई कैन लिव एनीवेयर और सोमवार से लेके शनिवार तक तो मैं बिलीवर्स इट इज देयर वी आर बीइंग सेपरेटेड टू बी फॉलोअर्स ऑफ द लैम्ब और लेकिन ये वही स्थान है जहां पर के हम उस मेमने के पीछे चलने के लिए चुने जाते हैं गॉड हेल्प अस टू सी दिस ट्रूथ इन योर लाइफ एंड माय लाइफ और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि सत्यता व्हाट इज योर एटीट्यूड इन द फैमिली और परिवार के अंदर कैसा स्वभाव है एज हस्बैंड एंड वाइफ और पति और पत्नी योर रिलेशनशिप टुवर्ड्स वन अनदर और आपस का संबंध कैसा व्हाट इज योर एटीट्यूड कैसा स्वभाव है हाउ डू यू बिहेव और कैसा आपका हाउ इज योर फैमिली लाइफ और आपका पारिवारिक जीवन कैसा चिल्ड्रन टुवर्ड्स योर पेरेंट्स और यही इसी रीति से अपने माता पिता के वी गॉट टू रियली नो और हमने इस चीज को जानना है दैट द लॉर्ड वुड चूज अस इन सिचुएशंस अनटू हिमसेल्फ कि परमेश्वर इन परिस्थितियों में हमें अपने लिए चुन ले जोसेफ हैड अ ट्रू विजन और यूसुफ को एक सच्चा दर्शन पाया बट इन द फर्नेस ऑफ अफ्लिक्शन गॉड सेपरेटेड हिम फॉर दैट पर्पस इन हिज लाइफ और लेकिन उस मुसीबत की भट्टियों में परमेश्वर ने उस योजना के लिए उसको चुना इवन सो बिलीवर्ड इन आवर लाइफ और इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर गॉड वांट्स अस टू बी पीपल हु आर विलिंग टू बी चोजन इन सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोग हो जो इच्छुक हो चुने जाने के लिए अन्य प्रकार की परिस्थितियों में जो रोज के जीवन में आती है। You know, when you look at the life of Joseph, और जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, he was willing, और वो इच्छुक था, he was willing, और वो चाहता था, he gave himself to the purposes of God, और उसने अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं के लिए अर्पित कर दिया। You know, sometimes we see that we are so reluctant in the things of God, और बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की चीजों के लिए because इतने अलग हो जाते our pastor is not there around us, और क्योंकि हमारे पास्टर साहब वहाँ पर नहीं है, our elders are not there around और us, हमारे elders जो है वो हमें देख नहीं रहे, what does that matter, it's like Jehoash hitting the ground, और ये क्या बात है, मामूली बात है, चलो, और लेकिन ये वैसी बात क्या है, करे जैसे Jehoash ने speaker box तो उठाना तो है, speaker box, St. Stephen जाना है तो है, है? When we can see that, you know, people are not wholehearted. और जब हम देखते हैं कि लोग पूरे मन से कार्य नहीं करते. Monday through Saturday. और सोमवार से शनिवार. What is your attitude in the family? किस प्रकार का स्वभाव हमारे परिवार. Beloved, our ministries are useless if our families are not built up in God's ways. और हमारी सेवकाइयां व्यर्थ हैं अगर हमारे परिवार परमेश्वर के योजना के अनुसार नहीं बनाया God help us परमेश्वर हमारी सहायता करे we really keep a right attitude towards God and his purposes in our daily life परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने स्वभाव को परमेश्वर के उस मार्ग के लिए उसके जीवन के लिए और उसके कार्य के लिए God would give us small instances or situations or circumstances और परमेश्वर छोटे-छोटे परिस्थितियों में हमें You know, before Joseph would rise up and become a ruler in Egypt, God wants us to test him of his attitude towards himself, to God. और इससे पहले कि यूसुफ उन सारी परिस्थितियों में से निकलकर मिस्र का राजा बन गया, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए अपने मन में किस प्रकार का स्वभाव रखते हैं। God wants us to be people who follow him. परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोग हों। Those who follow the Lamb, they are called. और वो जो कि मेमने के पीछे चलते हैं वो बुलाए गए They are chosen. और वो चुने गए And where are we going to be chosen? और हम कहां चुने जाएंगे In the furnace of affliction. और मुसीबतों की भट्टियों में When is that? और वो कब है Every day. हर रोज In our daily life. हमारे रोज के जीवन There is a selection going on. और वहीं पर हमारा चुनाव There is a selection going on. और हमारा चुनाव वहीं पर हो रहा है As it happened with Gideon and his army. और जैसे कि गिडियन और उसकी सेना के साथ As it happened with Jehoash. और जैसे Jehoash के साथ There is a choosing of God going on. और वहां पर एक चुनाव है परमेश्वर And those who follow after the Lamb. और जो के मेमने के पीछे चलते You know what they say? और वो क्या कहते Lord, we are willing to be broken. और प्रभु हम तो टूटना चाहते हैं Lord, we want to take you away. और हम We want to take your way. और हम तेरे मार्ग को अपनाना चाहते Lord, we want to really do that which is your will. और हम वो सब बातें करने चाहते हैं जो तेरी इच्छा में They are being separated daily unto the purposes of God. और परमेश्वर की योजना के लिए वो रोज के रोज चुने जाते हैं In our everyday life. और हमारे रोज के जीवन We got to see that we are separated unto God. और हमने ये देखना है कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए जाएं. It's my prayer for you and me. और जैसे कि मेरी प्रार्थना आप और मेरे That we will be diligent to keep our heart clear before the Lord. और हम पूरी सावधानी से अपने मन को परमेश्वर के सामने शुद्ध रखें. Our attitudes. अपने स्वभाव को. We be careful and diligent
to walk in the light that God has given to us in the past week. और पिछले सप्ताहों के अंदर जो परमेश्वर ने हमें प्रकाश दिया है पूरी सावधानी के साथ में अपने आप को उस मार्ग में The lamb and the people who followed the lamb overcame all the other enemies. और वो लोग जो कि उस मेमने के पीछे चलते थे वो सारे शत्रुओं पर विजयी हुए. Even the Lord wants us to be victors. और परमेश्वर प्रभु भी यही चाहता है कि हम विजयी. There is a daily selection going on. और एक रोज का चुनाव हो रहा है. Let me tell you this example before closing. और इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. I have shared this before. और मैंने इसको पहले भी बतलाया है. But let me say that again. और इसको बार फिर से मैं कहता हूँ. A man, a big officer, an executive, he was selecting some people to his company. और एक बहुत ही बड़ा अधिकारी अपने कार्यालय के लिए कुछ लोगों का चुनाव कर रहा था। Somebody who is really good and faithful, और in his heart. किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो के पूरे सच्चे हृदय से वफादार और सच्चा ईमानदार। So he put them all in one hall. और सबको एक बड़े हॉल में रखा। And he gave them question paper. और उनको प्रश्नावली दे दिया। There was no examiner in the hall. और परीक्षा लेने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं था. So after some time, और कुछ समय के बाद, it was told to them, और उनसे कहा गया, that you can start the exam. और आप अपने परीक्षा लिखना शुरू करें. They all began to write. और सब ने लिखना शुरू की. And afterwards, they lifted their heads and began to look for the examiner. और उसके बाद अपना आंखें उठाकर देखने लगे कि परीक्षा लेने वाला कौन? There was no examiner in the hall. और कोई भी उनकी जांच पड़ताल करने को So somebody called the next man. और इसलिए किसी ने दूसरे व्यक्ति से कहा, What is the answer? और इस प्रश्न का क्या? So everybody copied from one another. और सब ने एक दूसरे की सहायता लेकर नकल की. The time was over. और समय बीत गया. The examiner came. और परीक्षा लेने वाला आया. He said. और उसने कहा. So and so, he collected the paper. और सबके पर्चे उसने ले लिए. And then he said. और तब कहा. You all have failed. और तुम सब फेल हो गए. And so and so is selected. और फलाना फलाना व्यक्ति जो है वो चुना गया है. They all got angry. और सब क्रोधित हुए. They said, "Why you selected him? You never even went through our answer papers." और उसने कहा कि आपने उसको कैसे चुन लिया जबकि आपने हमारे परीक्षा के पत्र भी देखे ही नहीं. And he said like this. और यूं उसने कहा, "I need not to go through your papers." और मेरे को इन कागजों को I wanted one man who is really good at heart. और मेरे को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि मन का बिल्कुल शुद्ध हो. You know, you see here, that is the camera of my TV. और ये आप कोने में देख रहे हैं कैमरा लगा है जो कि मेरे कमरे And in my cabin I was seeing you all. और अपने कमरे में मैं सब तुमको देख रहा था. And you all were copying from one another. और तुम सब लोग एक दूसरे की नकल कर रहे हैं. But this one man. और लेकिन ये एक व्यक्ति. He never copied. उसने कभी नकल. I have chosen my man. और मैंने अपने. You all can go home. बाकी करते रहे. This is what this man did. और इसी तरह से उसने. I want to tell you. और मैं ये कहना. Our God doesn't need a camera anyway. और हमारे परमेश्वर को कैमरा की आवश्यकता. The psalmist says. और भजन संहिता Lord, where can I go from your presence? कि मैं तेरी उपस्थिति से कहां If I go beyond the blues, अगर मैं आकाश में खो जाऊं, there your eye will see me. वहां भी तेरी आंख If I go beyond the, you know, to the deepest sea, और अगर मैं सागर के समुद्रों की गहराई में चले जाऊं, there your eyes will see me. वहां भी तेरी आंखें मेरे Where can I hide myself? और मैं अपने आप को कहां छुपा सकता हूं? Beloved brother, प्रिय भाई, and sister, और बहन, there is a choosing of God today. परमेश्वर का एक चुनाव हो रहा है. Daily. Rose. God is separating a people unto himself. और परमेश्वर अपने लिए लोगों को चुन रहा है. Let us not deceive ourselves. हम अपने आप को धोखा ना दें. In every situation. हर एक परिस्थिति. However small it may be. चाहे वो छोटी से छोटी. Let it be a shining path. वो एक चमकता हुआ. Let it be a little higher than yesterday. और वो कल से ऊंचा स्तर हो. Let us separate ourselves unto God. हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग. That is how we follow the Lamb. और इसी प्रकार से हम उस मेमने के पीछे चलते. God help us to be faithful. और परमेश्वर हमारी सहायता. Wherever we are. जहाँ कहीं भी हम, our attitudes, हमारा स्वभाव. No, I, it's so sad when I hear certain remarks. और बहुत दुख होता है जब कि मैं कुछ remarks को सुनता हूँ. About, you know, how they are spiritually. और आत्मिक रूप में वो. So sad it is. इतना दुख लगता है. It was said. और ऐसा कहा गया. That somebody feels bad. जब कोई बुरा महसूस करता है. Somebody feels like this. और कोई ऐसा महसूस करता है. And he will do this bahana and go out of the hall. और वो ये बहाना करके हॉल से निकल जाएगा. How sad. How sad it is. Man's heart will be revealed. और मनुष्य का हृदय जो है प्रकट होगा. Man's heart will be revealed. मनुष्य का हृदय प्रकट. I want to tell you. और मैं ये कहना चाहता हूँ. If we are not willing for change. अगर हम परिवर्तन के लिए चुप नहीं. We shall not progress in that path. तो हम उसकी उस योजना में शामिल. We shall have no part in that lamb and the company of the lamb. और हम उस मेमने और उसके झुंड के अंदर कोई भाग ना रखेंगे. It's time to change our attitude. और यही समय है कि अपने स्वभाव को. God has called us with an eternal call. और परमेश्वर ने एक अनंत कालीन wonderful call आपको बुलाया है. But daily we are being separated. और लेकिन रोज ही हम अलग हो रहे हैं. Your hostel, अपने हॉस्टल, your homes, अपने घरों में, the place of your working, अपने काम के स्थान. Remember,
याद रख, द आइज ऑफ द लॉर्ड बिहोल्ड यू, परमेश्वर की आंखें आपको देखती। लेट अस बी सेपरेटेड अनटू गॉड, और हम परमेश्वर के लिए अलग होते जाएं, बीइंग चोसन डेली और रोज़ ही